शिक्षा के क्षेत्र में नई चुनौतियां और भविष्य में शिक्षा के आदान प्रदान में आ रही नई संभावनाओं पर विचार करने के लिए 5 नवंबर से एक बड़ा आयोजन शुरू हुआ है, जिसका आयोजन कटक के श्री श्री यूनिवर्सिटी ने किया है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। उड़ीसा के कटक की श्री श्री यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कंटेम्पलेटिव एंड बिहेवियरल साइंसेज के प्रयास से आत्मनिर्भर भारत इंडिया इन द 21st सेंचुरी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2020 ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम इन कंटेम्पररी एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जो 5 से 19 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम को इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का ऑनलाइन इनॉग्रेशन देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया गया। मुझे गुरु जी को इसके लिए विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये पहल की है, शुरुआत आपने कर दी इस बात की। जो भारतीय ज्ञान परंपरा अभी जब ओम सेना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषामहै से जब शुरू होता है, तो हमारी जो परंपरा है, जो हमारा मन है, जो हमारे विचार है, जो हमारा दिल है, जो हमारी पहुंच है, जो हमारी सोच है, जो हमारा विजन है, जो हमारा मिशन है, वो बहुत साफ नजर आता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विश्वविद्यालय को, इन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा पर आज जो शुरू किया है। और मैं देख रहा था कि आपने तीनों चीज किया, आत्मनिर्भर भारत, भारतीय ज्ञान परंपरा और उसमें भी प्राध्यापक का जो विकास है, क्योंकि इन सबको आखिर ध्वजवाहक तो मेरे ये आचार्य ही है, इन्होंने ही इस पूरी शिखर तक पहुंचाना है योद्धा के रूप में इन सारी चीजों को। और मुझे लगता है कि इसमें हमने इतना परामर्श किया है कि शायद पूरी दुनिया की ये पहली नीति होगी जिस पर इतना बड़ा परामर्श हुआ। जैसे हमारे ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋषि मुनियों ने कहा, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, इसी इस दुनिया में हम श्रेष्ठ मानव का उत्पन्न करेंगे, और श्रेष्ठ मानव बिना शिक्षा के हो नहीं सकता, और शिक्षा से ही, शिक्षा और दीक्षा, इसी से मानव श्रेष्ठ होता है और उनका व्यक्तित्व परिवर्तन होता है। मैं इस संदर्भ पर ये बहुत समर्पित जो संघ है, अब अपना ये सब कार्य करता है, हमारे वाइस चांसलर है, रजिता जी है, ऋचा जी है, इन सब का जो एक इच्छा थी कि चलो हम सबसे आगे बढ़ के काम तुरंत करेंगे, तो जब से नई शिक्षा की नीति आई उसी दिन से ये उत्साह उमड़ उठा है। इस आयोजन में शिक्षा के महत्व और भविष्य में इसके आदान प्रदान के तरीके और नई डिजिटल इनोवेशन के साथ सामंजस्य कैसे होगा, इस पर गंभीर चर्चा होने जा रही है। और इस आयोजन में कई क्षेत्रों से जुड़ी शख्सियतें अपने विचार रखेंगी। इंडियन नॉलेज सिस्टम को शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र बिंदु की तरह स्थापित करना और इसको यूनिवर्सिटीज के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में किस तरह समाहित किया जा सकता है, इन सभी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी FDP में देश विदेश से टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और पॉलिसी मेकर्स भी शामिल हो सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। देश की नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इस विषय को लेकर जो विचार और नई दिशा निर्धारित है, उस पर भी गहन मंथन होगा। 14 दिन के इस आयोजन को अलग अलग डोमेन्स और थीम्स में विभाजित किया गया है, जिसे फैकल्टी वाइज और सेशन वाइज निर्धारित भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 प्राइम।